ओके सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द पेशेंट। अगर हम लोग फील करेंगे, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये दिस इज ग्लैंड और फैट, सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को ही फील करना होता है प्रेस करके। जब आप प्रेस करोगे सो टफ या फर्म फीलिंग जो होती है वो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट की होती है, और जो सॉफ्ट होता है दैट इज फैटी कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे फैट होता है वो सॉफ्ट होता है। स्किन को पिंच करूँगा सो फैट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि पेशेंट ने मसल डेवलप करा हुआ है उनका, अच्छा। बट लेकिन जो ये है यहाँ पर, ये दिस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट ओनली जो कि हम लोगों को देखना है। सो डेफिनेटली लाइपोसक्शन भी होगा क्योंकि छोटा बहुत जो फैट है उसको भी कम करेंगे एंड ग्लैंड एक्सीजन से ग्लैंड भी निकालेंगे। अभी टर्न वन साइड प्लीज, प्रोजेक्शन में देखूंगा मैं। सो दिस इज द प्रोजेक्शन पेशेंट इज हैविंग बिफोर सर्जरी, एंड ये जो है ये एकदम पेशेंट को खराब सा दिखता है कॉस्मेटिकली, जिसको कि हमको करेक्ट करके इसको अच्छा प्रिंस लाना है। सो दिस इज बिफोर सर्जरी। ओके, पेशेंट का एज गॉस्पी दिन, पेशेंट का एज इज 31, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। यहाँ से हम लोगों ने ग्लैंड और फैट दोनों निकाल दिया है। सो दिस इज आफ्टर ग्लैंड एंड फैट रिमूवल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखेंगे। दिस वन इज चेस्ट का मसल विद वेरी स्मॉल इंसीजन, इंसीजन इज दिस मच साइज, और ये निप्पल का राउंड एंड इंसीजन इज दिस मच साइज का ओनली। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो वेरी स्मॉल इंसीजन, सो इसको हम लोग बंद कर देंगे। सो ये दिखाई भी नहीं पड़ा। ओके सो दिस सर्जरी वी हैव डन यस्टरडे एंड दिस इज फ्रंट व्यू नाउ। सो जितना भी पेशेंट को ग्लैंड इन्फेक्ट था वो निकाल दिया। चलो टर्न वन साइड प्लीज। सो साइड व्यू में देखेंगे, दिस वॉज प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ। सो दिस वॉज प्रोजेक्शन पेशेंट वॉज हैविंग एंड दिस इज नाउ। अदर साइड प्लीज, अदर साइड में अगर हम लोग देखेंगे, सो दिस वॉज प्रोजेक्शन, ग्लैंडुलर प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ। अभी कितना ग्लैंड और फैट निकला है ये देखेंगे हम लोग। सो दिस मच इज फैट एंड दिस इज ग्लैंड। फ्रंट में आ जाओ। सो पेशेंट हम लोग के तमिलनाडु से आए हैं, ही इज सेकेंड पेशेंट फ्रॉम तमिलनाडु। सो पेशेंट को मैंने रिजल्ट दिखा दिया है, अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्सअप करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि पेशेंट को हिंदी भी नहीं आती है बट वो बोलते हैं कि सर मैं समझता हूँ हिंदी एंड बोल नहीं पाता हूँ, बट वो सब करके एंड देन उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया है। सो रियली आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच।